नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स। बोकारो गार्डन एक नए प्लांट के साथ, जो आपका जाना पहचाना प्लांट है, उपस्थित है आपके सामने। और बोकारो गार्डन में आप सभी स्वागत का हकदार हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस प्लांट के पत्तों को देखकर आपको लग रहा होगा आप पहचान गए होंगे, यह वेराइटी है हेबिस्कस की। हेबिस्कस की वेराइटी है। मेरे पास बहुत सारे कलर्स के हेबिस्कस हैं, रेड हैं, येलो हैं, पिंक है, मल्टी कलर भी है, डबल वाले हेबिस्कस भी हैं। इसके बावजूद मैंने इस हेबिस्कस को नर्सरी से खरीद कर क्यों लाया है, ये एक सोचने की बात है कि मुझे ऐसी क्या चीज़ लगी कि मैं इसको नर्सरी से खरीद कर लाई हूँ। आप इसके रूट्स को देख रहे होंगे, मैंने एक तरफ से पॉलिथीन काट रखी है ताकि मैं आपसे इसे अच्छी तरह से शेयर कर सकूं। तो मुझे जो आकर्षित किया इसको खरीदने पर, मैं मजबूर हुई, इसका कारण है इसका कलर। ये ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स थे जो आप यहाँ अभी देखने में आपको आ ही रहे होंगे, लेकिन शेयर करने में मुझे थोड़े से समय लग गए क्योंकि इधर बारिश हो रही थी मेरे यहाँ। तो इसमें ये फ्लावर्स अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ी में थे और मुझे भी देख करके लग रहा था कि कैसे मैं इसको शेयर करूं। लेकिन मैं दुखी हूं कि मैं आपसे इसके कलर्स को शेयर नहीं कर पाई, लेकिन साथ ही मुझे आशा है कि एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जब खिलेगा तो मैं ज़रूर आपको इसके कलर्स का अपडेट करवाऊंगी। तो अभी ये ब्लू बर्ड इसका को कहते हैं, है वेराइटी हिबिस्कस की ही, लेकिन इसका नाम ब्लू बर्ड करके आप खोजोगे तो आपको इसकी भी बहुत सारी, ब्लू बर्ड में भी आपको बहुत सारी वेराइटी दिखाई देगी। तो आप ले सकते हो ऐसे नमेसिया फ्रूटिकेंस, इसको वैज्ञानिक नाम देते हैं। तो यह ब्लू कलर का हिबिस्कस है, इसके बीच में रेड कलर आते हैं, किसी किसी में दूसरे कलर के भी आएंगे। हर एक वैरायटी का अपना अलग अलग कलर होगा, आप जो चाहो चूज कर सकते हो। तो इसमें मुझे बातें करनी है ये कि हिबिस्कस पर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अगर इसे पॉट में लगाने हैं तो ड्रेनेज अच्छी हो, ऐसे सॉइल की व्यवस्था करनी है, लेकिन मैं इसे सॉइल में ग्रो करूंगी। दोस्तों, चूंकि मेरे पास भी सॉइल बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, फिर भी मुझे सॉइल में बड़े वाले प्लांट जो होते हैं, उडी प्लांट होते हैं, उनको सॉइल में ग्रो करने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है। तो मैं इसे सॉइल में ग्रो करूंगी और आपसे इसे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये बातें बता देती हूँ कि आप अगर इसको पॉट में लगा रहे हो तो अच्छी ड्रेनेज हो, इसके लिए आप सॉइल और सैंड का अनुपात 50-50 रखो। थोड़े से काउडंग मिला दे सकते हो, कंपोस्ट मिला दे सकते हो और इसके बाद इसको ग्रो कर सकते हो। अब अगर इसे सन की बात करें, रोशनी की बात करें, धूप की बात करें, तो इसे धूप बहुत ही प्यारा है, आप इसमें धूप में ही रखें। फ्लावरिंग प्लांट है, वैसे भी ये धूप में रहने का हकदार है। दोस्तों, वाटर की बात होती है तो वाटर जब भी आप दें, जब आपके पौधे आपके प्लांट आपको प्यास की दिखाए कि मुझे प्यास लगी हुई है, यानी उसके स्वाद सूखे हुए हो, तभी आप पानी दें, नहीं तो इसके रूट्स
खराब हो जाते हैं और प्लांट आपके मर भी सकते हैं। आप इसमें पेस्ट वगैरह का है तो इसमें बहुत सारे मिली बग, वाइट फ्लाई, बहुत तरह के आपको इसमें परेशानी करेंगे। मैं कुछ का नाम भूल रही हूँ, ठीक है, मैं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे पेस्ट आपको परेशान कर सकते हैं। आप पहले तो नीम ऑयल से कोशिश करो हटाने का, फिर जो सर्फ की के पानी बना लो, सर्फ वाटर से धोकर इसको हटाओ। अगर नहीं हटते हैं तो आप पेस्टिसाइड का उपयोग जरूर करो, क्योंकि प्लांट को तो बचानी है, तो पेस्टिसाइड भी यूज करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड से क्या होता है कि हमारे बगीचे में कीड़े पतंगे जो लाभदायक हैं, मधुमक्खियाँ आना बंद कर देती है, जिससे हमारे कुछ प्लांट को घाटा होता है कि वे अपना जो परागण क्रिया है नहीं कर पाते हैं और हमारे फ्रूट्स वगैरह पर इसका असर पड़ जाता है। लेकिन पौधे को बचाना हो तो पेस्टिसाइड का भी उपयोग करना पड़ता है। तो मैं इसे लेकर चलती हूँ और सॉइल में ग्रो करके आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने एक, ये देख रहे होंगे आप, इतने बड़े से मैंने गड्ढे खोद रखे हैं। इसकी मिट्टी को यहाँ किनारे किनारे लगा रखी है, इसी को मैं इसमें डाल दूंगी। लेकिन इससे पहले ये काऊ डंग है, इतने से इसको मैं इसमें मिला देती हूँ। काऊ डंग को इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिला देनी है। थोड़ी मिट्टी भी इसमें से नीचे गिरा देती हूँ। अब इसमें इसको निकाल के मैंने रख दी है। अब इसमें सॉइल भर देनी है। सॉइल में कुछ नहीं, जो मिट्टी मैंने इसकी निकाली थी उसी मिट्टी का मैं इसमें उपयोग करूंगी, क्योंकि थोड़े से काऊ डंग मैंने पहले ही डाल ही दिए हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, जो इसकी निकली खुद की मिट्टी निकली है यहाँ से, उसी मिट्टी को मैं इसमें डाल देती हूँ। उधर सवेरे जो पानी मैंने पटाई है उससे थोड़ी सी मिट्टी यहाँ जो मैंने कल ही इसको तैयार करके रखी थी गड्ढे को, तो वो थोड़ी गीली हो गई है। दोस्तों, जहाँ तक हिबिस्कस का सवाल है, तो इसको बीच बीच में आपको काटते छांटते रहने भी ज़रूरी है, क्योंकि काटते छांटते नहीं रहेंगे आप तो ये बेतरतीब बढ़ता रहेगा, इसलिए आप इसको काटते छांटते भी रहें। साथ ही इसकी मल्चिंग जरूर कर दें ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। ये जो आपको दिख रहे होंगे तिनके वगैरह, ये मेरे जो मैं बनाती हूँ कंपोस्ट उसी के हैं। पत्ते वगैरह जो भी मेरे बगीचे से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं, उनको मैं ऐसे करके बना लेती हूँ। तो इसको बगल बगल से दबा दें और समय से इसकी कटिंग करते रहें। साथ ही मल्चिंग में मेरे पास अभी सूखे हुए पत्ते नहीं थे तो मैं इसी से मल्चिंग कर देती हूँ। ये नारियल के छिलके हैं, जो नारियल हम लोगों ने खा रखे हैं उसके छिलके को मैं सुखा कर रखी हुई हूँ,
ताकि इससे मल्चिंग का काम ले सको, या पॉट में ड्रेनेज होल पर इसको रख के उसको बचाया जा सके। तो इस तरह से मल्चिंग करने के बाद अब इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देनी है। दोस्तों, इसको जब भी लगानी है तो आपको धूप में रखना है। अगर आप पॉट में भी लगाते हो कोई बात नहीं है, इसकी बोनसाई भी बना सकते हो, पॉट में लगा सकते हो, कोई इसमें गल नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धूप चाहिए इसे, इसलिए इसको अच्छी धूप में रखो। तो इस तरह से इस ब्लू बर्ड के वीडियो के साथ आज मैं आपसे विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।